नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पर हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, 1 m³ में कितने बैग ऑफ सीमेंट लगते हैं, 1 क्यूबिक मीटर में कितने बैग ऑफ सीमेंट लगते हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और ये आपसे अक्सर इंटरव्यूज में और दोस्तों आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए दोस्तों हम इसको पूरे डिटेल में आज देखेंगे, कैसे आप पता करें कि आपका 1 m³ में कितने से कितने बैग ऑफ सीमेंट लगते हैं, निकालना सीखेंगे। मैं यहाँ पे आपको आज एक नहीं दो दो मेथड से निकालना सिखाऊंगा, जो एक थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, एक थोड़ा सा आसान हो सकता है। जिस मेथड चाहें आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक नहीं दो दो मेथड का बताना सिखाऊंगा यहाँ पे मैं आपको। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। जैसा कि मैंने आपके कल के पिछले वीडियो में मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट का बताया था, मतलब एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है वो निकालना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से वो वीडियो भी देख लें, और मैं इस वीडियो में भी उस कंटिन्यू करूंगा उसी वीडियो को, आप वहीं से देखेंगे। और इसलिए दोस्तों आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी अगर कंटिन्यू करूंगा तो। मैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको कॉपी पेन के ऊपर लेकर आ जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्रिप्शन का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर ले, नीचे लाकर बटन दिया होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। उससे फायदा क्या होगा, जो इस तरह की सिविल साइट जुड़ी हुई और जो हमारे घर में जुड़ी हुई जो भी वीडियो है वो सीधी आप तक टाइम से पहुंचती रहेगी और फटाक से देख सकते हो हमारी वीडियोस को, उसका नोटिफिकेशन आपको जब जैसे पहुंचेगा आप फटाक से देख सकते हो। चलिए दोस्तों सीधा आ जाते हैं कॉपी पेन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं कि 1 m³ में कैसे आप निकाल सकते हो कि कितने बैग ऑफ सीमेंट होते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि मैं कल की वीडियो से कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो को, इसलिए दोस्तों हम सीधा वीडियो पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि कैसे हमने कल वॉल्यूम निकालना सीखा था। वॉल्यूम दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, हम एक बैग सीमेंट का, जो कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट कर रखा है कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो हमें डेंसिटी ऑफ सीमेंट पता है 1440 kg/m³। 1 m³ में 1440 kg होता है, मतलब कि अब दोस्तों ये पता आप कहोगे कि ये 1440 कैसे आया, ये एक डेंसिटी है हर एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल का होता है, जो कि आप इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप जा करके मेरे आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में देख सकते हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, आप वो वीडियो भी जरूर देखें दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ पे डेंसिटी पता है, एक बैग का वजन पता है, एक बैग का वजन नॉर्मली 50 kg होता है, जो कि आपको नॉर्मली पता होगा। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मतलब कि अब आपको वॉल्यूम निकालना है और मास आपको पता है, मास कितना है 50 kg और डेंसिटी कितना है 1440। अब इसमें आपको पुट आउट कर देना है, यहाँ पे आपने पुट आउट कर दिया मास कितना था आपका 50 kg, आपको डेंसिटी कितनी है 1440, ये पुट आउट कर दिया, डेंसिटी पुट आउट कर दिया डेंसिटी जगह पे, मास पुट आउट कर दिया मास की जगह पे। अब उसके बाद आपको निकल आया एक बैग का वॉल्यूम कितना आया आपका 0.0347 m³। ये दोस्तों एक बैग का वॉल्यूम आया। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि 1 m³ में, मतलब कि 1 m³ में कितने बैग सीमेंट आ जाएगी। अब हमें ये एक बैग का वॉल्यूम पता चल चुका है, यहाँ पे ये वन बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम पता चल चुका है, अब हमें 1 m³ में कितना बैग सीमेंट आ जाएगा अब हम वो पता करेंगे, जिसके मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ, जिसके ऊपर आज की वीडियो है मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आप ध्यान से अब आगे देखते रहिए। मैं यहाँ पे दो मेथड बताने वाला हूँ आपको। पहला मेथड दोस्तों यहाँ से शुरू होता है, आपका जो हमारा पहला मेथड है वो होता है आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ बैग 1 m³ में सीमेंट, मतलब कि 1 m³ में आपको कितने बैग सीमेंट लगेंगे वो निकालना है। अब आपको यहां पे वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट पता है, जो कि हमने अभी यहां पे जस्ट निकाली 0.0347, ये हमारा एक बैग का वॉल्यूम है जो कि हमने यहां निकाला, यहां पर लिख रखा है यहां पर। अब उसके बाद हमें पता करना है कि आपको कितने सीमेंट बैग लगेंगे 1 m³ में, तो वो आपको नंबर ऑफ बैग इन 1 m³ को डिवाइड कर दे, मतलब एरिया हमारे पास कितना है 1 m³ है, मतलब 1 m³ है जो हमारा क्यूब है दोस्तों, जो हमारा एक क्यूब है 1 m³ है, इसमें आप कितने बैग सीमेंट में लग जाएंगे हमारे, तो ये इसमें हम हमारा नंबर हम इसको हमारा एरिया कितना हो गया वन, हमने वन से डिवाइड कर देना एक बैग के वॉल्यूम को, हमें अभी एक बैग के वॉल्यूम को हमने हमारे पास एक बैग का वॉल्यूम है और हमारा 1 m³ एरिया है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 28.80 बैग्स, ये हमारा जो है ये हमारा
इतने बैग लगेंगे एक मीटर क्यूब में। कितना आसान है दोस्तों, बस ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, बस आपको चुटकियों में ही आपको पता लग जाएगा कि कितना कितने बैग ऑफ सीमेंट लगेंगे वन मीटर क्यूब में। अब दोस्तों दूसरा मेथड देख लेते हैं, ये भी एक आसान मेथड था, एक और आसान मेथड आप देख लेते हैं। अगर ये दोनों मेथड आप देख लेंगे तो आपको कभी भी दिमाग में आएगा कुछ भी, अगर एक मेथड याद नहीं है दूसरे मेथड से फट से निकाल के बता दोगे, और नहीं भी अगर आपको कम से कम इतना तो याद होना चाहिए, अगर इतना याद हो गया तो आपको बस से भी काम चल जाएगा। आपको यहाँ पे अब दूसरा मेथड पे हम आ जाते हैं। दूसरे मेथड में दोस्तों क्या करना है, आपको डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब एक मीटर क्यूब में आपको 1440 केजी आता है डेंसिटी सीमेंट का। अब दोस्तों मास ऑफ वन बैग, अब एक बैग का मास कितना है, वजन कितना है, वो आपका 50 केजी। अब नंबर ऑफ बैग इन वन मीटर क्यूब, मतलब कि एक मीटर क्यूब में कितने बैग लग जाएंगे सीमेंट, वो हमारा क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो हमें निकालना है। तो अब यहां पे हम वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाय 50। जब हम 1440 को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 28.80। ये हमारे इतने बैग लगेंगे हमारे एक मीटर क्यूब में सीमेंट के। ये आपका दूसरा मेथड था। अब दोस्तों हमें ये हमेशा हमें याद रखना है कि एक मीटर क्यूब में 28.80 आपके सीमेंट बैग लगते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। अब यहां समरी ऑफ इस वीडियो का समरी क्या है, आपको इसमें क्या क्या मेन जो इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, अगर आपको सॉल्यूशन यही भी याद रहता है तो आपको एक मीटर क्यूब में कितने सीमेंट बैग लगेंगे सबसे पहले तो ये याद रखना है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट याद रखनी है आपको 1440, एक मीटर क्यूब में 28.80 बैग्स लगते हैं आपको याद हो गया, डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना 1440 केजी पर मीटर क्यूब हो तो याद हो गया। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वन बैग, एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है वो आपको याद रखना है, 0.0347 एक बैग का वॉल्यूम होता है। अब दोस्तों आपको यहां पे ये वीडियो के बारे में पता चल चुका है कि आपको क्या क्या याद रखना है, ये सारी बात आपको याद रखनी है। अगर आप याद रखोगे तो कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप फटाक से जवाब दे सकते हो इन सब बातों का, और आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता और कोई भी आपका पैर नहीं खींच सकता इन सब बातों में। आप कहीं भी आपके नॉलेज को अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप इतना भी बता दोगे किसी को, तो आपको सॉल्यूशन पता है तो बेस्ट है। आप ये ध्यान से गौर से एक बार फिर से देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से प्ले करके इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर आप देखोगे दो बार तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, और आपको देखो जब देखोगे दो बार तो आपको यही पता लगेगा कि कितना आसान है ये। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल पे, तो इसलिए प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे होगा क्या मैं ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा और भी नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपको और भी अच्छी नॉलेज मैं आप तक आपको देता रहूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।